हाय गाइस, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेफ ही रहिए, क्योंकि आई फ्लू वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्लू भी चल रहा है। बट आई फ्लू तो इतना ज़्यादा हमारे घर में हर किसी को हो चुका है, जैसे कि पापा से लेके डीवा तक हो चुका है, बट टचवुड मैं बची हुई हूँ। और मेरे बचने का रीज़न एक ये है क्योंकि घर में सबको आई फ्लू था ना, तो मैंने अपने टाइम टाइम पर आई ड्रॉप पहले ही डाल ली, एक एक ड्रॉप, सबको दो दो ड्रॉप थी। तो जैसे मैं डीवा को डाल रही थी और कान्हा को डाल रही थी, तो उस टाइम पे मैंने भी अपने डाल ली, क्योंकि दिखाना पड़ता है बच्चे को, देखो मैं भी डाल रही हूँ, ये है। थोड़ी बस सेफ्टी उससे हो गई, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया होगा तो शायद उससे ही निकल गया। और वो बहुत अच्छी मेडिसिन थी, तो मैं बता दूँ, फेस्टिव डी नॉर्मल आपके मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी आसपास जो भी है, तो वहीं से ली थी, वही डाली, और बहुत जल्दी उसने आराम कर दिया। कान्हा को भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, और डीवा की तो एक आँख में इन्फेक्शन आया था, तो उसी में आने से पहले ही उसको ठीक हो गया। तो ये तो दो दो घंटे में डालते रहिए अगर आ भी रही है ना, और ना ज़्यादा देखने से ज़्यादा वो टच करने से, लाइक आपने रिमोट टच करा, फ़ोन टच करा, दूसरे ने करा, और वही इन्फेक्शन फैला देता है। अपनी एक आँख से दूसरी आँख रब कर ली, तो ये तो सबको बेसिकली पता ही है, बट फिर भी बहुत लोग भी सोचते हैं कि सिर्फ देखने से होता है, नहीं वो टच करने से होता है, क्योंकि आइज़ के जो ये हैं जम्स वगैरह वो आपने टच कर दिए फ़ोन में, नहीं पता होता भाई हम कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हैं, सोच हो जाता है। इसलिए बार बार हैंड वॉश करिए, और आई ड्रॉप दो दो घंटे में डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मतलब टच कर ही देते हैं, हमें नहीं पता कहाँ किसने क्या टच कर दिया, बट हाथ धो और दो दो घंटे में अपनी दवाई डालो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि घर में सबको रखे ना, तो बहुत ज़्यादा जलन है, पेन है, एकदम रेड आई है, और दिक्कत होती है उसमें थोड़ी सी। तो टचवुड मैं बच गई हूँ अभी तक तो, और कोशिश करूँगी बच ही रहूँ, क्योंकि अब तो सबको ऑलमोस्ट हो चुका है और जा चुकी हैं, तो देखते हैं ना हो तो बढ़िया है। तो आज का व्लॉग ना बहुत मज़ेदार होने वाला है, पूरा व्लॉग देखना यहाँ पे ना, मतलब शाम से स्टार्ट करेंगे और अगले दिन, मतलब आपको पूरा पूरा व्लॉग देखना, बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े आने वाले हैं इस व्लॉग में, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ रुकिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और लाइक तो कर ही दिया करो, आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो गाइज, और कमेंट तो भर भर के रिप्लाई मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जब मैं ब्लॉग लाइव करती हूँ ना, तो आधे पौने घंटे तक तो मैं ज़रूर एक्टिव रहती हूँ। और जिन लोगों को दिक्कत रहती है ना कि यार रिप्लाई नहीं करती हो, आप रिप्लाई नहीं करते, उनको एक रीज़न मैं बता दूँ कि यार मेरे पास छोटी बेबी है, वो मुझे जस्ट ब्लॉगिंग नहीं करने देती है, टाइम उतना नहीं मिल पाता है। सो कमेंट के लिए तो मैं आधा पौना घंटा वही रखती हूँ, जब मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ उस टाइम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, तभी तभी जो कमेंट आ जाते हैं उनका रिप्लाई मिल जाता है, उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। सो जैसे ही ब्लॉग देखो फटाफट कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई आज फर्स्ट टाइम चाचू रोटी बना रहे थे, दिखा दूँ कैसी बनाते हैं। बैचलर में कभी बनती थी, पर ये जो घर का बना हुआ आटा है जो ये लोग भूनते हैं, इससे शायद बन जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने पहले बनाई थी तो बन गई थी। तो बैचलर लाइफ हमने एंजॉय करी है हैदराबाद में, वहाँ पे कई बार ट्राई करी पर रोटी नहीं बन पाई, तो हमारा ये होता था भारी खाते थे या कभी कभी चावल बना लेते थे। हाँ चावल उबालने और दाल और सब्जी बनाने मुझे आता है। ये एकदम गोल नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि गोल रोटी जो लच्छा रोटी होती है, लच्छा अंडे के आकार की रोटी बनाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, जब आप पहली रोटी बनाओगे ना थोड़ी दिक्कत होगी, जब तीन चार रोटी बना लोगे तो बिल्कुल सही बन जाएगी। एकदम करारी बेहतरीन रोटी बनती है, बहुत बेहतरीन रोटी है। एक रोटी बनाना एक आर्ट है, एक कला है, ये हर कोई रोटी नहीं बना सकता। ये रोटी हमारी फूली भी है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी रोटी बना रहे जो फूलेगी नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि रोटी फूलेगी, इसलिए हमने रोटी को फुला दिया, थोड़ी सी फूली। तुम्हारे को पूरी उम्मीद है कि ये वाली रोटी ज्यादा गोल और ज्यादा अच्छे से फूलेगी और ज्यादा अच्छे से सिकेगी। ये पूरा चाइना का मैप बनेगा इस बार, ये पूरा हमें विश्वास है कि हम इसको पूरा चाइना का मैप की शिफ्ट देंगे। तो अभी कंपटीशन देने वाली रोटी मैंने बनाई, फूली हुई, इतनी फूली रोटी हुई, और दूसरे ही प्रयास में हमने गोल रोटी को बिल्कुल एक फुटबॉल जैसी रोटी बना दी। ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय हमारा काम है।
जवा ये ले लो है? तो हमारे जो 3 रोटियों में से 1 रोटी अच्छी बनी तो नॉट अ बैड यार, है ना। कभी कभी होता है ऐसा कि आदमी को शर्म आती है, ऐसी खाने को भी शर्म आती है। हमारे चाचू की रोटियां तो देख रही है, पीछे देख लो कौन क्या कर रहा है। ऊपर पिंजरा शिफ्ट हो गया, बड़ा पिंजरा बना दिया हमने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हेलो मिस्टर मेरा। हाय, क्या हो रहा आज? आज हो रही है शूट। तो आज है शूट, और बहुत स्पेशल शूट है क्योंकि आप सबकी डिमांड पर आज दिखाते हैं कौन आया है। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाई देती हूँ कौन आता है, सस्पेंस बनाए रखती हूँ थोड़ी देर तक। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम शूटिंग स्टार्ट क्योंकि हमारे शूटिंग वाले भैया आ चुके हैं। हेलो भैया। चलते हैं ऊपर। हेलो। सो ये है हमारा आज का उम्दा कलाकार। क्या कलाकार बता रही, नेचुरल हमारी एक्टिंग निकल रही है। वही कलाकार है जो हर टाइम अपने उसमें रहते हैं। कौन है? नेचुरल तो तेरा मम्मी नीचे चलेगी। नमस्ते। इनको सबके सबसे पसंद आ रहा है ना। हाँ। ऊपर वाले दिखा ला अपने। नहीं जैसे तुम बच्चे और बड़ों के बीच, तुम तो बच्चे और बच्चों के बड़ों के बीच में आ गए अभी से। वो शूट का घेवर है, शूट के लिए आया। वो जो आएगा ना यहाँ लाएगा सोनू का डिब्बा, यही खोल लेंगे। ज्यादा कौन सा पसंद है, ज्यादा फेवरेट? रसगुल्ले पसंद नहीं है? ये वाले गुलाब जामुन, ये लड्डू। फोन लेकर आया जिनू, किच्छे लाया मेरा फोन। अरे टिड्डी सी का सोच लुढ़क गई ऊपर। कैसी तेज बन रही है, तू सुनवा लेगी सारे कारोबार है। अच्छा का छीन लाई मेरी मम्मी, कौन है समाधि धो रहा है सारे कॉम में, देख कैसी गीले में लग रही है। आ जा आ जा, कभी मुझे छुपकी वाले मुझे डाइनिंग टेबल पे कुछ सीन देने जा रहा है। अरे मैं अपन निकलूंगा जब रोई मैंने आवाज लगाई, जीनू तो गई, जीनू को भी चिल्लाई अंदर आया। जीनू काका मीठा तो वैसे ही ना खाएगी। पूजा करते हुए और लड़की अब टेटोल में मैं क्या क्या कर लूं। Thank you.
आज दीवा का सपना पूरा हुआ, मामा मिल गए उसको फाइनली। भाई मम्मा के आगे आगे कोई नहीं है। सो गाइज इस वीडियो में भाई भी है और आप सबकी रिक्वेस्ट पे सोनी दीदी भी है, बट सीन बहुत मज़ेदार है। मतलब वीडियो इतनी अच्छी हमने बनाई थी, बहुत ही मस्त मस्त सीन है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट जितना हमें शूटिंग में टाइम लग जाता है ना, एक दिन में शूट खत्म करना होता है, दीवा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसको पीछे संभालती हैं उसकी बुआ, वो मोस्टली उनके पास रहती है क्योंकि आज तो शूट पर दी भी थी तो उन्होंने संभाला और घर पे मम्मी ने संभाला, तो सारा काम देखना होता है और एक दिन में शूट करके हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट मेहनत है, देखिए करनी तो पड़ती है हर काम में, और मुझे लगता है जल्दी ही हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। इमरान भाई जो एलविज भाई के डीओपी है और साथ साथ हमारे भी है, हमारी कॉमेडी वीडियोस के तो थोड़े दिन में हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। 10 मिलियन से पहले 1 मिलियन करवा दो मेरे, हमें भी किसी बिग बॉस वगैरह में पहुंचा दो छोटे मोटे में। पैकअप हमारा हो चुका है पैकअप। आज बहुत मजे आए शूटिंग पर, बहुत बहुत मजे आए, बहुत मज़ेदार वीडियो थी और देखते हैं आप लोगों को कितनी पसंद आती है। तो कैसी थी भाई वीडियो, कैसी लगी? बढ़िया। तुम्हें कैसी लगी? मैडली मैड। तू बता कैसी लगी वीडियो, क्या कमाल कर दिया आज है? क्या कमाल कर दिए, मतलब मेरे को लगा कि अभी तक की सबसे धमाकेदार वीडियो। और खासियत ये है कि इस वीडियो के लिए राज इतना डेडिकेट हो गई कि उसने कॉस्ट्यूम ही नहीं चेंज करी, एक ही कॉस्ट्यूम में रात दिन 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 रात रात, शाबाश। चार सूट ड्रेस करे सुबह, एक सीन में ये बैठ गए, एक में ये, और एक सीन का सीन दिए चले गए हम वापस तक, वापस वापस तक, वापस और एक ही सूट सारी वीडियो शूट हो, क्या करें। हमेशा का ये तेरा झगड़ा जल्दी खत्म करने के चक्कर में कि डीवा परेशान हो रही है कि जल्दी खत्म करें, तो एक ही सीन। वैसे वीडियो कैसी बनी है? बढ़िया, ये रखवा दे, ये वापस मौज कर दिया है। बाकी तो मौज कर, बढ़िया वाली मौज कर दी, फोन की तो एक फोन में तो गई हुई आवाज दूसरे में गई। घर आए और दीदी ने हमारा सबका खाना तैयार कर रखा है, ये आ गई थी थोड़ा शूट निपटा के, और इसने अपने हाथों से सिर्फ सर्व करा है, बनाया नहीं क्योंकि शूट में ये भी थी, थक गई थी तो हमने बाहर से मंगा दिया सबका। बट हाँ सर्व करने में भी तो मेरी जो मौत आ रही हो, उतना भी कोई करके दे दे, और ये तो एक बहन ही कर सकती है ना डीवा, और डीवा को भी बड़ी माई संभाल सकती है। ओ इतनी देर तक बाय बाय, ऐसा करे मोले के जा रही थी छीलनी विरासत, चलो चल चल, कहाँ जा रही थी मेरी छाछ, कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा, गाड़ी में खेलेगा, चलो मेरी बेटी आजा। बुड्ढे बुढ़िया मैं कह रहा हूँ, बुड्ढे बुढ़िया बाल को तेरा जिद कर रहे हैं, तो मंगलवार को 84 करोड़ की परिक्रमा के लिए चलना है। हाँ। मम्मी आप क्या कह रहे हैं? मम्मी कह रही बुड्ढे बुढ़िया पे इल्जाम लगा दो। तो 1:30 बजे रात को हुए सब फ्री, तो चलिए अभी करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।